आज के इस डिजिटल युग में कोई भी काम करना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। दुनिया भर में तकनीक का विकसित होना इस युग के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां ज़्यादा तकनीक आने की वजह से चीज़ें आसान हो गई हैं, वहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इस डिजिटल युग के चलते कम समय में ज़्यादा लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करना आसान हो गया है। बस थोड़ा सा लालच दिखाओ और काम हो गया। आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में, मैं हूं विवेक कुमार। आज सबके हाथ में मोबाइल नाम का एक ऐसा उपकरण आ गया है जिसके प्रयोग से कोई भी जानकारी दुनिया की किसी भी जगह से बस कुछ सेकंड्स में ही ली जा सकती है। अगर किसी को अपना मैसेज कहीं पहुंचाना हो तो वो भी बहुत आसान हो गया है। इसी तकनीक का गलत फ़ायदा उठाकर 15 से 17 साल के लड़कों का धर्मांतरण कर अपने जाल में फंसाने की घटना भी सामने आई है। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के रैकेट में बच्चों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। यह मामला बीती 30 मई को सामने आया था, जब एक जैन परिवार से आने वाले शख्स ने गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उसके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मौलवी अब्दुल रहमान और बद्दो उर्फ शाहनवाज मकसूद खान ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले उसके बेटे का धर्मांतरण कराया है। पिता ने आरोप लगाया था कि उसका बेटा एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बद्दो के संपर्क में आया था और अक्सर उससे बात करता था। इसके बाद उसका झुकाव इस्लाम अपनाने की ओर हो गया। लड़के ने अपने पिता को बताया था कि बद्दो यानी शाहनवाज खान के कहने पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब गाजियाबाद पुलिस को तलाश थी इस बद्दो की और बीते रविवार को मुंब्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर शाहनवाज को महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार इस शाहनवाज की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। इस दौरान उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि आरोपी मुंबई के वर्ली में छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस जब वर्ली पहुंची तो शाहनवाज वहां से रायगढ़ के अलीबाग भाग गया और एक लॉज में छिप गया। पुलिस वहां पहुंची और रात भर चेकिंग की। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। अभी आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर शाहनवाज लड़कों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता कैसे था। आइए इस सवाल के जवाब से भी पर्दा उठाते हैं। अब तक पुलिस की पूछताछ में शाहनवाज ने बताया कि फोर्टनाइट ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए साल 2021 में उसकी और पीड़ित लड़के की जान पहचान हुई थी। इसके बाद वे एक दूसरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे और फिर उनकी बातचीत फ़ोन पर भी होने लगी। इसके बाद दोनों ने फोर्टनाइट गेम खेलना बंद कर दिया, मगर 2021 के दिसंबर में दोनों ने वैलोरेंट गेम के जरिए फिर ऑनलाइन आना शुरू किया। डिस्कॉर्ड ऐप पर शाहनवाज की अच्छी रैंकिंग से आकर्षित होकर लड़के उससे चैट करते थे। लड़कों को जानना था कि वो इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे लाता है। इसी दौरान शाहनवाज लड़कों को बरगलाता था और चैट में ही इस्लाम धर्म से जुड़ने के फायदे बताता था। बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का सारा खेल दो स्टेप में होता था। पहला स्टेप बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना और दूसरे स्टेप में बच्चों से ऐप के जरिए चैटिंग करना और इस्लाम से जुड़ने के फायदे बताना। पहले स्टेप में ये लोग हिंदू नामों से आईडी बनाते थे, फिर हिंदू बच्चों को फोर्टनाइट गेम खेलने के लिए उकसाते थे। असली खेल तब शुरू होता था जब बच्चा गेम हार जाता था। गेम हारने के बाद बच्चे से चैट में ही कहा जाता था कि अगर वो कुरान की आयत पढ़ेगा तो आसानी से गेम जीत जाएगा। इसके बाद जब बच्चा आयत पढ़कर गेम खेलता तो साजिश के तहत उसे जितवा दिया जाता था। इस तरह बच्चे का कुरान के प्रति विश्वास मजबूत हो जाता था और मुस्लिम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ जाता था। इसके बाद दूसरी स्टेप शुरू होती, बच्चे से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग की जाती और उसका भरोसा जीतकर इस्लाम की और जानकारी दी जाती और ऐसे धीरे धीरे बच्चों का विश्वास जीतकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता। इसके बाद बच्चे को जाकिर नायक और तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे, उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए बहकाया जाता। जब बच्चे का इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ जाता और वह मुस्लिम बनने को तैयार हो जाता तो आखिर में उससे एक एफिडेविट बनवा लिया जाता। इस एफिडेविट में बच्चे से लिखवाया जाता कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल रहा है। लेकिन पुलिस को दिए बयान में शाहनवाज ने बताया कि बच्चे को लालच देकर अपने जाल में फंसाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया।
अब पुलिस की चुनौती शाहनवाज का लैपटॉप हासिल करने की भी है, जो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। इसी से पता चलेगा कि उसके लालच के जाल में अब तक कितने लड़के फंसे और वह कब से धर्मांतरण करा रहा है। बता दें कि शाहनवाज सिर्फ 12वीं पास ही है, लेकिन कंप्यूटर का महारथी है। उसे ऑनलाइन गेम के बारे में भी काफ़ी जानकारी है, जिसकी मदद से उसने नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कर दिया। यह सरकार के लिए भी अब चुनौती बन गया है। अगर कानून के मुताबिक आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, तो ऐसे लोग लालच देकर करवाने लगे। आज पुलिस ने शाहनवाज खान को थाने के कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने शाहनवाज को उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने पुलिस से यह भी कहा है कि आरोपी की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। अब अंत में हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन पर नज़र बनाए रखें और चेक करते रहें कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।